फैक्ट्री की छत के ऊपर इस घूमती हुई चीज को क्यों लगाया जाता है और मोबाइल का कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहो वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि आजकल की बाइक्स में उनकी हेडलाइट दिन के समय में भी ऑन रहती है, लेकिन आखिर दिन के समय में बाइक की हेडलाइट को ऑन क्यों रखा जाता है? तो आपको बता दें कि कई देशों की रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने 1 अप्रैल 2017 से AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन सिस्टम को लागू किया है, जिसके अकॉर्डिंग दिन के समय में भी बाइक की हेडलाइट को ऑन रखना जरूरी है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिन के समय में बाइक की हेडलाइट को ऑन रखने से बाइक को रोड पर आसानी से देखा जा सकता है, जो कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स को भी कम करता है। साथ ही साथ बाइक की हेडलाइट ऑन रहने से बाइक को बैड लाइटिंग कंडीशन में भी आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हो कि सैफ्रन यानी कि केसर लगभग 3 से 4 लाख रुपए किलो है? लेकिन आखिर केसर इतना महंगा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि केसर के उत्पादन में मशीनों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। केसर को उसके फूल से निकालने के लिए मशीनों का नहीं बल्कि हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। केसर के एक फूल में सिर्फ 3 ही केसर के धागे होते हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ 400 ग्राम केसर को कलेक्ट करने के लिए लगभग 75,000 फूलों से केसर को निकाला जाता है और यही कारण है कि केसर इतना महंगा होता है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सभी मोबाइल्स के कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्यों बने होते हैं, जबकि मोबाइल कैमरा को राइट साइड में भी तो बनाया जा सकता है? तो आपको बता दें कि मोबाइल कैमरा को लेफ्ट साइड में राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं और अगर मोबाइल का कैमरा राइट साइड में बनाया जाएगा तो मोबाइल यूज करते समय राइट हैंडेड लोगों की उंगलियां बार बार कैमरे से टच हो जाएंगी, जिस कारण फोटो क्लिक करते समय फोटो की क्वालिटी सही नहीं आएगी और यही रीजन है कि मोबाइल के कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड में ही होते हैं। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसको 57 डेल यानी कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है? और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर किसी मेल को सिर्फ 45 डेल का दर्द दिया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो इतना दर्द सहकर हमें जन्म देने वाली माँ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही साथ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाना। नंबर 5, दोस्तों आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी न कभी फैक्ट्री की छत के ऊपर इस घूमती हुई चमकदार मशीन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि फैक्ट्री की छत के ऊपर इस मशीन को क्यों लगाया जाता है? इस मशीन को विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि एक फैक्ट्री में कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण फैक्ट्री के अंदर बहुत ही मात्रा में हीट जनरेट होती है और ऐसा होने से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जब फैक्ट्री के अंदर की गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगती है तो ये विंड टर्बाइन वेंटिलेटर इस गर्म हवा को फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है, जिस कारण फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।